हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इस बोर्ड का अनबॉक्सिंग किया था, वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस बोर्ड को यूज़ करके आज हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस बोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। ये जो हीट सिंक के दो पॉइंट है, ये ट्रांसफार्मर के 12 और 12 पॉइंट पर कनेक्ट होगा, और ये बीच वाले जो छेद है यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट होगा। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट होगा। सामने से आपको दिखाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डायोड के पीछे यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसफार्मर 12 6 एम्पियर का, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट और 12 वोल्ट इस दोनों हीट सिंक पर कनेक्ट होगा। ओके, और ये जो सेंटर टॉप वाला पॉइंट है, ये सेंटर का पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर प्लस पर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कनेक्ट होगा ये सेंटर वाला पॉइंट। तो हम हीट सिंक के लिए ऐसे वायर बना लेंगे थोड़े गोल करके, ताकि हीट सिंक पर लगा सके। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कैसे लगाया है इसको। ओके, और इस ग्राउंड के लिए, सॉरी ग्राउंड ये प्लस के लिए हम एक और वायर निकाल लेंगे। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड आती है हमारी कैबिनेट की। हम कैबिनेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक जस्ट प्लास्टिक का डिब्बा यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर पॉइंट करके रखा हूँ मैंने। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैटरी के वायर हैं, प्लस और माइनस के दो क्लिप मैंने पहले से ही लगा रखे हैं, और ये बहुत बड़े वायर हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस वायर को घुसा देते हैं और एक गार्ड बांध लेते हैं, ताकि वायर खींचने पर बाहर निकल ना जाए। ओके, एंड सेकेंड ये स्विच, ये स्विच यहाँ पर लगाएंगे इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, बाहर थोड़ी नॉइस हो रही है, इसलिए थोड़े एडजस्ट कर लीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। ओके, तो ये 10 एम्पियर का एक सॉकेट, ये 10 एम्पियर हमारा इन्वर्टर प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए ये मोर देन एनफ है। ओके, तो ये हमने लगा लिया है स्विच, सॉकेट और ये बैटरी का दो वायर। अब यहाँ पर हमारा बोर्ड बैठेगा, देख आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बोर्ड को हमने बिठा दिया है, और माइनस वाला पॉइंट को हमने कनेक्ट भी कर दिया है वहाँ पे, और ये तीनों वायर अब ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होगा। ओके, ये ट्रांसफार्मर हमने बिठा दिया है, और ट्रांसफार्मर में ये तीनों वायर कनेक्ट करेंगे। पहले सेंटर टैप को कनेक्ट करते हैं, ये जो वायर है ये बीच वाले मतलब सेंटर टैप में कनेक्ट होगा, और बाकी के दो, वो दो 12 और 12 में कनेक्ट होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये सेंटर टैप और ये बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है, ये जो ये दोनों स्विच में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा कनेक्शन पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रेडी है, और बाकी है पीछे सॉकेट की, ये सॉकेट वाला वायर प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा इन्वर्टर पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अब बारी आती है टेस्टिंग की। सो फ्रेंड्स, मेरे पास बैटरी नहीं है, इसलिए मैंने इतना लेट किया इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। सो हम एक 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसको सोर्स देने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम एक एलईडी बल्ब का यूज़ करने वाले हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने 100 वाट का बल्ब आपको चेक करके दिखाऊंगा जब भी मेरे पास बैटरी अवेलेबल हो जाएगा, बट अभी आपसे माफ़ी चाहते हैं, अब भी मेरे पास बैटरी नहीं है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर से पावर दे रहे हैं, और ट्रांसफार्मर में इतना एम्पियर नहीं है जो एक 100 वाट के बल्ब को जला सके। बस मैंने आपको टेस्ट करके दिखाना है कि ये इन्वर्टर काम कर रहा है या नहीं है। ओके, तो हमने पावर दे दिया है इसको, और स्विच ऑन करते ही ये देखिए फ्रेंड्स, स्विच ऑन करते ही ये ऑन हो चुका है। अच्छे से देखिए, स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो रहा है, मतलब हमारा इन्वर्टर पूरा का पूरा काम कर रहा है। जब भी मेरे पास बैटरी अवेलेबल हो जाएगा, मैं तब भी इस वीडियो का मतलब इस इन्वर्टर का पावर टेस्टिंग ले आऊँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।